गेम ओवर चैतन्य झा, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही इस एक्साइटिंग थ्रिलर की। मेरे बेटे को तुम्हारे जैसे बाप की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद से अनिकेत अपने माँ के नाम से जाना जाएगा, अनिकेत आकांक्षा बैनर्जी। अरे जा जा अंदर जाके देख तो सी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अक्कू ने जानबूझकर ये डिसीजन लिया पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करने का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग तो यही कहते हैं ना कि अनिकेत एक क्रिमिनल का बेटा है। सुमन अंदर जाओ। योर हाइनेस, हमें नेक्स्ट मीटिंग के लिए राजस्थान भवन निकलना चाहिए, वहां पहुंचते पहुंचते वक्त लग जाएगा। जी बस एक दो हस्ताक्षर कर लो। जी कांता जी और शकुंतला जी, हमारे ट्रस्ट की चैरिटी का सारा कार्यभार आपकी नई रानी श्रेया सिंह राठौर संभालेंगे। श्रेया आप फिक्र ना करें, अगली मीटिंग में शकुंतला जी आपको सब कुछ समझा देंगे। योर हाइनेस, हमें चलना चाहिए। खबा घड़ी। योर हाइनेस, हमें चलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। सराया जी, आपने कहावत तो सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर, इज़न्ट? परिवार में हर किसी को दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। वैसे तो ये सारा संसार ही हमारे लिए एक परिवार है, किंतु राठौर परिवार में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हमारा मुख्य परिवार यही है। और हमारे परिवार पे कोई विपदा आती है तो अंदर से मन बड़ा विचलित हो जाता है। हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जब से हमारी बहुरानी ने अलवर को युवराज देने की बात कही है, तब से उन पे जानलेवा हमले हो रहे हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी ने हमें ये बताना आवश्यक नहीं समझा। बधुरी माँ, तुम भले ही हमें बहिष्कृत समझो, किंतु जब तक हम इस मानव जीवन से संन्यास नहीं ले लेते, तब तक हमारी आत्मा की एक डोर इस परिवार से बंधी रहेगी। पता नहीं आपको ये सब बातें कौन बता रहा है, लेकिन ये सब महज एक अफवाह। आइए योर हाइनेस, चलिए श्रेया राजस्थान भवन की ओर प्रस्थान करें। अरे वाह, आज दोनों बच्चों को अपना पूरा टिफिन फिनिश करना है। ओके, आज चाची ने पता है क्या बनाया है? वनीला पुडिंग। थैंक यू चाची, आई लव यू टू। चाची आपके जैसा खाना कोई नहीं बनाता। ना ही हमें कोई डिफरेंट डिफरेंट टिफिन पैक करके देता है। दीदी वो अभी तक सो रहे हैं और आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है। अच्छा, पर अभी तक तो उठ जाना चाहिए था देव को, इस टाइम तो वो नाश्ते के लिए भी आ जाते हैं। आप जाकर देखो ना प्लीज। मैं ओके, तो बच्चों को संभाल, मैं आती हूँ। हो गया, बैग पहना दो। इतनी गर्मी में कंबल ओढ़ के सो रहे देव? अरे इनको तो बुखार है।
तान्या क्या हुआ? देव को ना बुखार हो रहा है, तो मैं उनके माथे पर पट्टियां रखने जा रही हूँ। सुमन तुम एक काम करो, देव के लिए काढ़ा बना दो। हाँ दीदी, वो तो मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, 20 तुलसी के पत्ते और 10 काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक, उसको पानी में बॉईल करो और चाय की तरह से छान लो, ठीक है? जी अभी लाइए। कह रही है धीरज, अब जानते हैं कि यह अफवाह नहीं है। हम जब काशी विश्वनाथ में महादेव के ध्यान में लीन थे, तब हमें इस बात का आभास हुआ। आप सीधे ये क्यों नहीं बताते कि आपका गुप्तचर कौन है? अधूरिमा, हमारा जीवन ही गुप्त नहीं है, तो हमें गुप्तचर की क्या आवश्यकता? और अधिराज की अधीरता देखते हुए तो यही प्रतीत होता है हमारा आभास सत्य है। चले यो हाइनेस, हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। एक आखिरी बात हम कहना चाहते हैं, उसके बाद आपका कीमती समय नहीं लेंगे। हम माता गौरी की आराधना के लिए कल अलवर जा रहे हैं। इस गौर पर्व के उपलक्ष में हम उनकी उपासना करेंगे और अलवर हमारे परिवार और समस्त संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। गंगोर पर्व मनाने तो हम भी जा रहे हैं ना, क्यों योर हाइनेस? अवश्य, आपको तो अवश्य जाना चाहिए। और विवाह के बाद आपका ये पहला गणगौर है, इसे तो बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। ये राजस्थानी परंपरा है और हमारे कुल में तो इसका प्रचलन है सदियों से। ये हम सबको पता है, आपकी अनुपस्थिति में कुछ भी बदला नहीं है राजा साहब। भले ही 14 साल ये पर्व हमने नहीं मनाया, लेकिन हमारे राज दरबार के सौजन्य से अलवर की पूरी सुहागन है ये पर्व विधि पूर्वक मनाती आई। और अब श्रेया आ गई है तो अलवर की रानी अपने प्रजा के साथ गणगौर जरूर मनाएंगी। बस हमारे दुश्मन सतर्क रहे, क्योंकि इस बार गंगौर के बीच में राज तिलक जैसा कोई भी रुकावट या अपशगुन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दीदी, देव, देव, उठो ना, काढ़ा पी लो, उठो। दीदी मैं ब्रेकफास्ट बना दूं? हाँ बना दो। पराठे सेक देती हूँ, वो कल मेरी मासी ने दही भिजवाया था, उसी के साथ खा लेंगे। दही?
कल रात तूने कहीं देव को दही तो नहीं खिला दिया था? खिलाया था। देव ने बताया नहीं कि उनको साइनस है, उनको दही से एलर्जी है, तो शायद इसीलिए उनको बुखार हो गया है। सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। देव को ना लस्सी, छाछ या दही ऐसा कुछ भी मत देना, ठीक है? जी। मम्मी जी, देव को पसीने आ रहे हैं, लग रहा है बुखार कम हो रहा है। अब सुमन, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे बैठो और मैं देव के लिए वेजिटेबल सूप बना के लाती हूँ। हाँ तानिया, तो मेरे को बैठ, उन्हें झटके रह जा प्लीज। सुमन चलो, चल के देव के लिए वेजिटेबल सूप बनाते हैं और खाना तैयार करते हैं। जी चलो सोना, तुम भी चलो। इतनी रात को, वो भी प्राइवेट नंबर से कॉल, कौन हो सकता है? हेलो हेलो सेक्सी लेडी, कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा निहार बोल रहा हूं, निहार खन्ना। रॉन्ग नंबर। राइट नंबर। निहार खन्ना ने 11 साल बाद फोन क्यों किया? तान्या, इसी वक्त मेरे साथ बाहर चलो। मम्मी जी। चलो। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारा ये रवैया, देव के लिए तुम्हारा मोह भंग होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तान्या, तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि देव की दूसरी शादी किस मकसद से हुई है, और वो मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक देव और सुमन के बीच में नजदीकियां नहीं बढ़ेंगी, और वो नजदीकियां तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक तुम देव के करीब रहोगी। मम्मी जी, एक्चुअली वो देव की तबीयत ठीक नहीं थी। चुप, बिल्कुल चुप।
अब मुझे कोई भी सवाल जवाब नहीं सुनना है। तान्या, तुमने बहुत नाजायज फायदा उठाया मेरी चुप्पी का। तान्या, तुम्हारी मौजूदगी देव का मन भटकाती है, उसे तुम्हारे होने का एहसास दिलाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हो चुका देव को बच्चा। अरे तुमसे तो कुछ होता जाता है नहीं, अरे कम से कम देव और सुमन की संतान तो होने दो। मम्मी जी, मैं सब अच्छे से समझती हूँ। क्या खाक समझती हो तुम, मुझे तो तुम्हारे अंदर ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई ही नहीं देते हैं। क्योंकि ना तो तुम आत्ममंथन करती हो और ना ही तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये दो रेखाएं तुम्हें तुम्हारी मर्यादा और कर्तव्यों की याद दिलाएंगी। आज के बाद ना तो तुम देव के कमरे में कदम रखोगी और ना ही तुम किचन में जाओगी। ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखाएं हैं और यदि किसी भी विधि में या किसी भी परिस्थिति में तुमने ये लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। सुमन देव की पत्नी है और देव की पत्नी होने के नाते देव के प्रति अपने सारे कर्तव्य वो निभाएगी। समझ गई तुम? जी मम्मी जी। सुमन, तुम समझ गई ना बेटा? जी मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी, तान्या दी की सहेलियां तो इन्हें किचन क्वीन कहती है ना? तो किचन क्वीन की किचन से ही छुट्टी? मम्मी जी थोड़ा तो रहम करो। बहुत रहम कर लिया, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये बार बार किचन में जाएगी और अच्छा अच्छा खाना बनाकर देव पर प्यार जताएगी। मैं इसकी रग रग से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसलिए आज के बाद तान्या किचन में नहीं जाएगी। लेकिन मम्मी जी, घर का सारा काम तो तान्या दी करती है ना? अब इतने सारे लोगों का खाना वाना बर्तन छर्तन ये सब कौन करेगा? आज के बाद घर के सारे काम तुम और सुमन मिलकर करोगे। मम्मी जी, अब ये क्या कह रहे हो? मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो। और अब इसके बाद मुझे कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। एक आखिरी बार कह रही हूँ, ध्यान से सुन लो। तान्या, आज के बाद तुम देव के कमरे और किचन से दूर रहोगी, समझी? बियानी, व्हाट्स अप? खन्ना, हाथ में गन्ना। अबे यार, तू अभी तक नहीं बदला, अब तो एटलीस्ट हाथ में गन्ना बोलना छोड़ दे। ठीक है भाई, अगर तू बोलता है तो मैं बोलना छोड़ देता हूँ। कैसा है, कहाँ है और
ये तो लोकल नंबर लग रहा है। हाँ भाई, तेरे शहर में हूँ, दिल्ली में। कुछ जरूरी काम है इसीलिए आया हूँ। अरे वाह, दिल्ली में है तो घर आ। मैं अभी तुझे एड्रेस टेक्स्ट कर देता हूँ। तू कहाँ पे रुका हुआ है? मैं ड्राइवर को भेजता हूँ। यार अपनी तो वही फेवरेट जगह है, बारा खंबा रोड वाला 5 स्टार। यार ये तो तू बेइज्जती कर रहा है। ये इतना बड़ा बंगला मैंने अपने लिए थोड़ी ना बनवाया यहाँ पे। आई इंसिस्ट तू यहीं पे रुकेगा हम सब लोगों के साथ में। ओके तू एक काम कर, तू अपना रूम नंबर टेक्स्ट कर दे, मैं अभी ड्राइवर को भेज देता हूँ। ऑलराइट, वेल इफ यू इंसिस्ट। पर हाँ, ये हाथ में गन्ना बोलना छोड़ दियो। हाँ तू आ जा। ओके आई विल सी यू। चल मिलते हैं। माया, आई एम बैक।